एक मुलाकात प्रोग्राम में भाई बहनों आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन अरविंद शर्मा और परम के साथ फिर हम आपके बीच में हाजिर हैं। जैसे आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने के लिए उत्साहित हैं और सभी पार्टियों के मुद्दे अलग अलग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम 75 सीटें पार करेंगे, इस कथन में कहां तक सच्चाई है, इस कथन को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है, उसी की बात में हम विचार करने के लिए आज हम पहुंचे हैं श्री पवन जैन जी, जो मीडिया कन्वीनर रहे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व और साथ में पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पंचकूला चुनाव प्रचार कमेटी के, हमारे बीच में मौजूद हैं और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर्स हम कह सकते हैं जो हरियाणा के अंदर हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री पवन जैन जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी स्वास्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। जैन साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस के कौन कौन से मेन मुद्दे हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन वो स्थिति नहीं हो सकी कांग्रेस पार्टी की जो लोकमान्य तिलक जी थे उस समय थे, नेहरू जी थे या लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा जी थे, वो पिछड़ पे कांग्रेस क्यों नहीं पहुँच सकी, क्या कारण है कांग्रेस लोगों से अलग अलग होती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के शासनकाल में सभी लोग दुखी हैं, इनका शासनकाल सबको, जब से हरियाणा 1966 से बना है तो आज तक ऐसी सरकार कभी भी नहीं आई। इस सरकार से सभी लोग दुखी हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे वो किसान वर्ग हैं और चाहे ट्रेडर वर्ग हैं, सभी लोग दुखी हैं। ये सरकार पहली ऐसी सरकार आई है जिसने हरियाणा को 3 बार जलाने का काम किया, तो इस सरकार से अब टाइम आ गया छुटकारा पाने का। अब कांग्रेस कमेटी बड़ी तैयार है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। किस तरीके से आप सरकार बनाओगे? आप सरकार बनाने का एक तरफ दावा कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके लीडर्स एकजुट नहीं है। जब भी कोई कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होता है, एक दो लीडर अस्वस्थ होते हैं, तो क्या कारण है? अस्वस्थ क्यों होते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं कि ये कहते हैं हम अस्वस्थ हो गए हैं, ये क्या कारण है? क्योंकि जनता भी देखना चाहती है कि एक कांग्रेस को, आप भी जानते होंगे कांग्रेस इस वक्त एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ये लगता है लोगों को भी लगता है कांग्रेस के पास जो विपक्ष भी कह रहे कार्यकर्ता नहीं है, लीडर है ज्यादा, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? कांग्रेस एकजुट है, सबको पता है कांग्रेस एकजुट है, कोई नहीं है, हर व्यक्ति हर नेता अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, कांग्रेस एकजुट है। अभी हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा वाइज हो रही हैं, कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जा रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो कार्यकर्ता सम्मेलन एक रैली का रूप धारण कर रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि उत्साह इसलिए है कि सभी लोग इस सरकार की नीतियों से दुखी आ चुके हैं, इस और कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लिए बहुत चौमुखी विकास किया। आपने अभी रैली की बात की है, रैली तो हुड्डा साहब ने जब लोकसभा के इलेक्शन थे तब भी बहुत बड़ा रथ यात्रा की थी, बहुत रश इकट्ठा हुआ था, अभी भी जो अपनी फरीदाबाद पलवल में रैली की है हुड्डा साहब ने, वहाँ भी रश था। आपको नहीं लगता कि ये जो रश हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उस रश को वोटिंग के अंदर कन्वर्ट करने में नाकामयाब हो रही है? वोटिंग में कन्वर्ट होगा, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा इलेक्शन में भाजपा ने छद्म राष्ट्रवाद के लिए वोट कैप्चर कर लिया, क्योंकि राष्ट्रवाद तो सभी लोगों का। आपकी दृष्टि में, कांग्रेस की दृष्टि में राष्ट्रवाद क्या चीज़ है? कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है, राष्ट्रवाद होता है देशभक्ति। कांग्रेस ने तो देशभक्ति के लिए कुर्बानियाँ दी, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, क्योंकि देश को कांग्रेस के लोगों ने ही आज़ाद कराया है। क्योंकि भाजपा क्या करती है, भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरती है, कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती, और राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने बटोर का काम किया, वो लोकसभा में मिल गया, पर विधानसभा में उनको ऐसा नहीं मिलेगा, विधानसभा में मुद्दे अलग हुए हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा ने वोट ले लिया, वो अलग चीज थी। अब आपने ये मुद्दों की बात की है कि लोकसभा में मुद्दे अलग हैं, लग थे, और अपने विधानसभा में मुद्दे अलग थे। अब हम लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा के अंदर तो कांग्रेस 370 धारा के अंदर चुपचाप बैठी थी, उस 370 जो धारा हुई उन्होंने खत्म की थी बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय कांग्रेस के लीडर, कुछ लीडर कोई और बयान दे रहे थे, कुछ और बयान दे रहे थे। आपको नहीं लगा था कांग्रेस 370 धारा के अंदर विपक्ष को, सरकार को घेरने में नाकामयाब रही है? और सेकंड जो बात है, जैसे जीडीपी है, आज हिंदुस्तान के सभी लोगों को पता है हिंदुस्तान की जीडीपी नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, उसके अंदर भी आपके पास मनमोहन सिंह जी जैसे जो सीनियर लीडर हैं, अर्थशास्त्री हैं, अपने हिंदुस्तान के सभी को पता है उनके बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, इतने सीनियर लीडर्स हैं, उन लीडरों का कोई बयान नहीं आ रहा, इसके बारे में क्या कहोगे आप?
सभी का बयान आ रहा है। मनमोहन सिंह जी ने कहा, कई बार सरकार को आगाह किया कि जीडीपी बहुत डाउन जा रही है, अगर ऐसा रहा तो देश 20 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा और देश में मीडिया वालों को भी कहा कि सरकार जीडीपी की ओर ध्यान दे और देश की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दे, और क्योंकि ये भाजपा वाले के कारण भाजपा के शासनकाल में जीडीपी तो आई, देश में आर्थिक मंदी इतनी ज़बरदस्त आ गई, लोगों की रोज़गार छिन रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे हीरा व्यापारी उद्योग हो, सभी चौपट हो गए हैं, क्योंकि भाजपा की नीति अच्छी नहीं है। मनमोहन सिंह एक दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन पूरी दुनिया में आर्थिक आपने राष्ट्रवाद की बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रवाद के अंदर कि भाई कांग्रेस राष्ट्रवाद को मानती है, तो आपको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह जी को कोई सजेशन देना चाहिए राष्ट्रवाद के ऊपर, ऐसे जीडीपी इस समय डाउन जा रही है उसके ऊपर सजेशन देनी चाहिए सरकार को कि किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं? मनमोहन सिंह जी ने सजेशन दिए सरकार को, अभी रोज़ पेपरों में आ रहा है, पर ये सरकार माने तो सही। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी आगाह किया कि आप बाकी चीज़ें छोड़कर, विदेश के दौरे छोड़कर, देश की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा, धारा 370 के ऊपर एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये बात कही है कि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी ने धारा 370 का विरोध किया। अब ये बात बहुत सेंसिटिव है, जैन साहब आप भी प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस बात को। और हुड्डा जी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए देश राष्ट्र सबसे पहले है, तो आपको नहीं लगता कि इन दो बयानों के अंदर, और आज की डेट में गुलाम नबी आज़ाद जी प्रभारी हैं और हुड्डा साहब शैलजे तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद जी और हुड्डा साहब की विचारधारा में हल्का सा फ़र्क है 370 की धारा को लेकर? नहीं, हुड्डा जी ने पहले दिन ही समर्थन किया था, सब लोगों ने समर्थन किया है, वो थोड़ी टेक्निकल थी, वो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस के बहुत सीनियर और सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने कहा था कि इसको अमेंडमेंट में आना चाहिए, वो बिल का विरोध नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने 370 का विरोध नहीं किया था उन्होंने, आज भी वो वहाँ गए हुए हैं। तो आपने देखा कि धारा 370 के ऊपर कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपने जैन साहब के विचार तो सुन लिए होंगे। जैन साहब, अब हम बात करते हैं कि स्टेट के जो मुद्दे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, स्टेट के मुद्दे हैं जो, जैसे परसों भी शैलजा जी का प्रोग्राम हुआ था, शैलजा जी ने लोगों की देखो तो भावनाएं होती हैं किसी लीडर को लेकर, हम कार्यकर्ता की भावना को तो हम नाज नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए थे भावी सीएम के, उसके ऊपर शैलजा जी ने यह बयान दिया कि भावी सीएम के नारे नहीं कोई लगाएगा तो हम सब एक हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये ग्रुपिज्म यहाँ पर भी चल रहा है जैसे पहले चल रहा था हुड्डा साहब और शैलजा के बीच में? वो कोई ग्रुपिज्म नहीं है, जो कार्यकर्ता हैं वो भावुक होकर ऐसे नारे लगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे बीजेपी अक्सर कहती है कि राहुल जी के कारण हम दोबारा से आए हैं सत्ता के अंदर, तो ये बताइए कि इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है कि कांग्रेस उदासीन रही है राहुल गांधी जी के कारण, तो इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है? आपको लगता है प्रियंका गांधी जी को पहले आ जाना चाहिए था? जो बीजेपी कह रही है ना राहुल जी के कारण हम आए हैं, बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, इस झूठ की राजनीति ने आपको पता है और पूरे देश को पता है, देश के 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों को पता है कि आज भाजपा ने देश को किस गर्त में पहुंचा दिया है, आज सभी जगह त्राही त्राही हो चुकी है, लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है, जीडीपी डाउन आ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो भाजपा का काम तो झूठ और अपने बांटो की राजनीति करती है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक बात और, अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, बीजेपी भी अक्सर बयान करती है कि कांग्रेस परिवारवाद को आगे बढ़ावा दे रही है, और इस बात पर कहाँ तक सच्चाई है, कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? कांग्रेस ने कोई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, बीजेपी वालों को कैसे नहीं दिया, सोनिया जी बने फिर राहुल जी बने फिर राहुल जी के फिर सोनिया जी बन गए, आपको नहीं लगता परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस के अंदर है? इतने काबिल लीडर होते हुए भी कांग्रेस के पास थिंक टैंक के लीडर्स बैठे हैं, जैसे बहुत तकड़े लीडर बैठे हैं, उनको इग्नोर करके एक ही परिवार को आगे लिया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े कमलावती त्रिपाठी जी को भी उन्होंने अध्यक्ष बनाया, अर्जुन सिंह जी को भी उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, सीताराम केशरी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया कामराज के टाइम से, ऐसे नहीं, ये गलत है, भाजपा का तो काम ही विरोध करना होता है, इन्होंने तो कुर्बानियाँ बहुत दी, देखो इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राहुल गांधी राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी देश के लिए, ये भाजपा तो हर चीज़ में अपना वोट बैंक देखती है। आपको नहीं लगता है अगर आज संजय गांधी जिंदा होते तो कोई और स्थिति होती है बीजेपी की, अपने कांग्रेस पार्टी की? संजय गांधी महान नेता थे और उनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग था, उनकी आज हम कमी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे और पूछा, जो आपके स्टेट के मुद्दे होंगे वो मुद्दे क्या हैं और वो मुद्दे आप
कब तक जनता के बीच में लेकर जाओगे, क्योंकि जनता भी वेट कर रही है। और एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे हम, मैं नहीं पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, जैसे बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, उस तरह कांग्रेस क्यों नहीं है पत्ते खोल रही है अपने, क्या कारण है? ऐसे है, हमारे मुद्दे बहुत हैं, हम मुद्दे लेके जनता पार्टी नेतृत्व की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे ना हो लोगों के पास ऑप्शन ना बचे। अगर मान लो एक लीडर खट्टर साहब खड़े, उसके ऑपोजिट कोई लीडर नहीं खड़ा, तो लोगों के मन में एक ऑप्शन हो जाती है कि उधर तो कोई लीडर है नहीं, हम वोट इनको डाल दें। इसलिए आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को एक लीडर सीएम का कैंडिडेट अनाउंस करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में आस्था हो, ताकि लोग भी एक लीडर के पीछे लग सकें? नहीं नहीं, सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता है। लेकिन कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट आई है कि हम डिप्टी सीएम 3-4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन सीएम का नाम नहीं दे रहे, डिप्टी सीएम का नाम कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सीएम का नाम भी हमारा सब लोगों को पता है। कौन है वो, कौन है आप बता दीजिए? और आपके इसके अलावा क्या प्रक्रिया जो कांग्रेस के अंदर अब बातें चल रही हैं, इलेक्शन लोगों के बीच जाने के लिए टिकटें बांटने की प्रक्रिया, वो तो कांग्रेस की इंटरनल होती है, देखो वो तो हम पता ही है, लेकिन उसमें क्या होगा अगर आपको कोई यहाँ पर पार्टी ओहदा देती है टिकट लड़ने के लिए, या आवेदन आपने दिया हो, अगर दिया हो तो अगर देती है तो आपकी मेन मुद्दे क्या होंगे? उन्होंने ये कहा कि अगर अपनी कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो मुख्यमंत्री का फैसला है वो हाईकमान लेंगे, सोनिया गांधी जी लेंगे। तो जैन साहब, आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी बहुत समाज सेवी थे और पॉलिटिशियन भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और आप ये कांग्रेस पार्टी में, इसके बारे में बताइए कैसे नीतियों से कैसे आप कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो गए? मेरे पिताजी समाजवादी नेता रहे हैं बड़े पुराने, और समाजवादी और कांग्रेस एक सिक्के के आगे पीछे वाले पहलू है, ठीक है ना। समाजवाद का था कि देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और कांग्रेस भी उसी नीतियों पे चल रहे हैं, तो मैं तो शुरू से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ, पिताजी के समय से ही। तो क्योंकि कांग्रेस आज जितने लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में, वो सारे समाजवादी नेता तो हैं। नहीं, आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी थी वो जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो दूसरी थी जो आप जो कह रहे हैं। समाजवादी तो एक विचारधारा है। अच्छा, समाजवादी एक विचारधारा है, वो समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस की जो विचारधारा एक ही है, कांग्रेस के नेताओं की भी समाजवादी विचारधारा है। क्या अब पवन जैन ने पार्टी में विधायक के लिए अप्लाई किया है, ऐसी कोई आपकी योजनाएं हैं फ्यूचर के अंदर की अगर टिकट के लिए? हाँ, हम अप्लाई करेंगे। कौन सी से? पंचकुला से। अगर आप पंचकुला से कॉन्स्टिट्यूंसी AICC आपको टिकट देती है, आपके मेन मुद्दे प्राथमिक मुद्दे क्या होंगे यहाँ पर, इस जगह पर? अब हरियाणा की बात नहीं करेंगे, आपकी हलके की बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे आपके होंगे? पंचकुला को नंबर वन बनाने का काम हम करेंगे, चाहे वो लोगों को रोजगार देने का हो, चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल खोलने का हो, चाहे कोई औद्योगिक इंडस्ट्री लगाने का हो, चाहे कोई IT सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का हो, और सफाई में, ये सब चीज़ें हम अगर विधायक बन गए तो यहाँ बड़े अच्छे ढंग से करेंगे और पंचकुला का नाम बहुत रोशन करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, ये हमारे बीच में पवन जैन जी थे, और पवन जैन जी के विचार आपने सुने होंगे, कैसे अग्रेसिव विचार हैं इनके पार्टी के प्रति, और जहाँ तक हम भी इनको देखते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, कि ये एक समर्पित भावना से, एक अलग जुनूनी भावना से कार्यकर्ता के बीच जाते हैं। इनको ये अक्सर हमें भी कहते हैं कि हमें पार्टी टिकट दे ना दे, इससे कोई हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जनता की सेवा करूँगा, इससे हमेशा रहते हैं। और आज डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।